और बात करते हैं हम पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की। मंगलवार को गोगुंदा और सायरा ब्लॉक में शांतिपूर्ण ढंग से तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही मतगणना के नतीजे भी प्रदेश में सबसे पहले उदयपुर से घोषित हुए। चित्रावास में सरपंच पद की प्रत्याशी वाट की एक वोट से, जबकि कुंडलावास की सरपंच सीमा गमेती दो वोट से चुनाव जीती। मंगलवार को सायरा पंचायत समिति की 31 पंचायतों में सरपंच और 233 वार्ड पंच के लिए वोटिंग हुई। वहीं गोगुंदा के 32 पंचायतों में सरपंच और 242 वार्ड पंचों के लिए मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन राम देवड़ा ने बताया कि संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था। मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। देहात के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने अपने पंचायत में वोट डाला। अधिकांश जगह सोशल डिस्टेंस नजर आई। अधिकारी मतदाताओं को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते रहे। मतगणना भी तेजी से हुई और प्रदेश के सबसे पहले 5 नतीजे उदयपुर से घोषित हुए। जीत का सबसे कम अंतर सायरा की चित्रावास सरपंच वाट की, जो एक वोट से चुनाव जीत गई, तो वहीं कुंडलावास की सीमा गमेती दो वोट से चुनाव जीती। कम अंतर से जीत होने पर एक बार की रिकाउंटिंग की नौबत आ गई। वहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी विशेष सुरक्षा बल लगाए गए थे। सुबह 7:30 बजे से यह मतदान शुरू हुआ था, जो 5:30 बजे तक चला था। कलेक्टर के मुताबिक सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं। बुधवार को उप सरपंच का चुनाव करवाकर मतदान दल जिला मुख्यालय पर लौटेंगे।